दोस्तों इस रूम बात करेंगे यूरोपियन क्रिकेट चैंपियनशिप इंटरनेशनल टी10 सीरीज का आज का दिन का सेकंड टी10 मैच के बारे में जो खेला जाएगा लग्जमबर्ग वर्सेस फ्रांस के बीच में। लग्जमबर्ग की टीम ने अब तक इस टूर्नामेंट में 4 में से 3 मुकाबले विन करे हैं दोस्तों, लेकिन जो फ्रांस की टीम्स है ना बहुत ज़्यादा वीक टीम्स है, क्योंकि इनकी टीम ने अब तक इस टूर्नामेंट में 4 में से 4 मुकाबले हारी है। मतलब एक टीम बहुत बढ़िया टीम से जो कि लग्जमबर्ग की टीम से, और एक टीम बहुत ज़्यादा वीक है जो कि फ्रांस की टीम से है दोस्तों। तो इस वाला वीडियो में आपको हर प्लेयर का स्टैट्स मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से मेरे को तो सही मुकाबला लग रहा है, क्योंकि जब भी एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग टीम के बीच में मैचेस देखने को मिलते हैं दोस्तों, हम लोग बहुत शानदार विनिंग करते हैं। और इस वाला वीडियो में आपको हर प्लेयर का स्टैट्स बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने इन दोनों टीम के बीच में ना एक हेड टू हेड मुकाबला देखा था, जहाँ पर लग्जमबर्ग की टीम ने 6 विकेट से विन करा था, फ्रांस की टीम ने उस वाला गेम में पहले बैटिंग करवाई थी, वहाँ पे इनकी टीम ने 65 पे 10 करे थे दोस्तों। तो हर चीज़ बताएंगे, एक तो आपको 4-4 मैच हुए हैं तो उनके स्टैट्स आपको बताऊंगा, कौन सा प्लेयर आपको कैसा परफॉर्मेंस करा के दिया है 4-4 मैच में, कौन कितने ओवर डाल के दे रहा है, कौन आपके लिए स्मॉल लीग पिक रहेगा, कौन आपके लिए ग्रैंड लीग पिक रहेगा, कौन स्टार्टिंग के ओवर यूज़ हो रहा है, कौन डेथ के ओवर यूज़ हो रहा है, मतलब A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो से मिलेगी। तो वीडियो को आप लाइक करके स्टार्ट करेंगे, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब आप ज़रूर करना। उसके अलावा अब तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हो। टेलीग्राम पे आफ्टर टॉस सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, जैसे हमारी स्मॉल लीग की जो भी टीम्स होती है वो मिलती है, प्लस जो न्यू प्लस खेलते हैं तो उनके स्टैट्स मिलते हैं, प्लस आपको कंफर्म वेटिंग ऑर्डर मिलती है, तो बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो टेलीग्राम पर जुड़ना बनता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट मिनट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप वहाँ पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @FExpert, हमने जैसा लिखा है 15,400 प्लस आपको सब्सक्राइबर दिखेंगे, और आप कहीं पर क्लिक करके जुड़ना है दोस्तों, क्योंकि हमारे ही नाम से कुछ चैनल ऐसे बने हैं जो कि फेंक है, फ्रॉड है, तो आप लोग ना उसे बिल्कुल भी सावधान रहो। मुकाबला टाइम रहेगी 5 बजे दोस्तों दोपहर को, वेन्यू सेम रहेगा, विकेट आपको न्यूट्रल मानना है, क्योंकि काटामा ओवल पर हो रहा है दोस्तों मैच, तो ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी जितने भी मैच होंगे इसी वेन्यू पर होंगे, ठीक है। और इन दोनों टीम के बीच में कल ही आपने एक हेड टू हेड मैच देखा था, जहाँ पर फ्रांस की टीम ने हारी थी दोस्तों बहुत ही बुरा तरीका से, तो अगेन हम लग्जमबर्ग टीम को फेवर करेंगे, लेकिन लग्जमबर्ग टीम से आपको ज़्यादा प्लेयर्स को लेना है, आपको ध्यान रखकर चलना है, ठीक है। लग्जमबर्ग की टीम ने अब तक इस टूर्नामेंट में 4 में से 3 मुकाबले विन करे, एक वाला मुकाबला हारी थी। इनके जो ओपनर रहेंगे दोस्तों रहेंगे तिमोथी बारकर, इनके साथ आएंगे विलियम कॉब। बात करेंगे बारकर के, दिखेगा आपको विकेट कीपर सेक्शन में, स्मॉली की टीम में विकेट कीपर सेक्शन आपको पिक करना है दोस्तों। लग्जमबर्ग के लिए ना इंटरनेशनल लेवल में बहुत सारे T20 आई के मैचेस भी खेले थे, वहाँ पर भी सही करे थे, और लास्ट के 2 गेम अच्छे खासे खेले हैं, तो स्मॉली की टीम में विकेट की पसंद से लेना बनता है। इनके साथ आएंगे विलियम कॉप, लास्ट गेम वाला गेम में बॉलिंग करवाई नहीं थी, स्टार्टिंग के 3 मैच में आप देखोगे हर मैच में 1-1 ओवर, ज़्यादा बॉलिंग वैसे भी नहीं करवाता, क्योंकि लग्जमबर्ग के लिए T20 के मैच अब तक 2022 के अंदर ना 11 मैच खेले थे, वहाँ पर 94 रन करा था, जो कि ICC में T20 वर्ल्ड कप का सीरीज हो रहा था ना वहीं पर खेल रहे थे, तो सिर्फ आपको बैटिंग करा कर देंगे दोस्तों। हालांकि सामने की टीम में वीक है, अगर सामने वाली टीम पहले बैटिंग करती है तो विलियम कॉप को भी टीम 2 ओवर दे सकते हैं, मतलब टीम एक्सपेरिमेंट कर सकती है दोस्तों, आपको ध्यान रखकर चलना है। शिव करण गिल ने लास्ट वाला गेम में 12 रन करा था, 2 विकेट निकाला था 2 ओवर डाल के, उसके पहले वाला गेम में 20 रन, यहाँ पे 18 रन, यहाँ पे 23 रन, 1 विकेट, तो बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग कर रहा है, कैप्टेंसी वाइज कैप्टेंसी तो नहीं, बट स्मॉली की टीम में पलक पिक करना है। इनकी टीम अगर पहले बैटिंग करेगी ना तब हम स्मॉली की टीम में विक्रम बिजॉय को पिक करेंगे। अब सीधा सीधा रीज़न क्या है दोस्तों कि एक तो सामने वाली टीम में वीक है, ठीक है, और इनकी टीम पहले बैटिंग करेगी तब रख सकता हूँ ग्रैंड लीग की टीम में, वो भी स्मॉली की टीम में नहीं लेना। आई सजेस्ट आप स्मॉली की टीम में छोड़ सकते हो दोस्तों, क्योंकि इनकी टीम बढ़िया टीम से सामने की टीम में वीक है, वैसे बॉलिंग डाल नहीं रहा बंदा, तो फिर इनको रखने का मतलब बनेगा नहीं, काफ़ी ज़्यादा नीचे बैटिंग करता है, तो मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा इनको बैटिंग मिलेगा, तो इनकी जगह पर आप किसी बॉलर्स को ट्राई कर लो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। थॉमस मार्टिन आपको दिखेगा यहाँ पर बैटिंग सेशन में, कैप्टेंसी वाइज कैप्टेंसी आप स्मॉली की टीम में दे सकते हो, उसका सीधे सीधे रीज़न है कि बंदा ये ना हर मैच में 2 ओवर डाला है, हालांकि हर मैच में इनको विकेट नहीं मिला है, क्योंकि अब तक इस टूर्नामेंट में इनको 3 ही विकेट मिला है दोस्तों, 1 में 2 विकेट और 1 में 1 विकेट, लेकिन हर मैच में कोटे का 2 डाल रहा है, तो स्मॉली की टीम में आप ट्राई कर सकते हो। टोनी विटमैन कितना बड़ा प्लेयर है ना क्या ही बताओ दोस्तों, 2021 के अंदर T10 में 6 मैच में 129 रन था, बहुत सारे इन्होंने T20 में भी मैचेज खेले हैं, तो विटमैन एज ए ओपनर प्ले करते हैं, लेकिन टीम ने लास्ट वाला गेम में इनको खिलाई थी और काफ़ी नीचे खिलाया था, ठीक है दोस्तों। बैटिंग ऑर्डर आएगी अगर उसमें टोनी विटमैन ओपनिंग करता है ना, तो स्मॉली की टीम में आपके लिए एक डिफरेंट और एक पंत पिक रहेगा। मैं तो बोलूँगा इनकी टीम अगर पहले बैटिंग कर रही है, टोनी विटमैन ओपनिंग कर रहा, तो टोनी विटमैन को ग्रैंड लीग की टीम में कैप्टन ठोक देना है। स्मॉली की टीम तो हम ट्राई करेंगे, बट ग्रैंड लीग की टीम में आपको कैप्टन ठोकना है। उनके बाद आएंगे ओस्कर विटमैन, सिर्फ फील्डिंग कराई थी, रखना कोई मतलब नहीं बनेगा। अमित धिंगारा इंपॉर्टेंस पिक रहेगा, लास्ट के 3 गेम में अब तक इन्होंने 4 विकेट निकाला है, जब भी खिलवाई है कोटे का 2 डाला है, तो इनको पिक करना है। और नूप इस टीम तो विकेट कीपरिंग कर रहा है, काफ़ी नीचे खेलता है, वैसे भी विकेट कीपर सेक्शन में तिमोथी बारकर अवेलेबल है, तो हम उनके साथ जाएंगे।
मार्कस पॉप को पिक करेंगे दोस्तों, अब तक इस टूर्नामेंट में 4 विकेट निकाला है। मोहित दीक्षित भी इंपॉर्टेंस पिक रहेगा, भाई गजब की बॉलिंग करवाता है। हमने इनका हर मैच देख रहा है, एक तो स्टार्टिंग ओवर यूज होता है और एक 10वां ओवर यूज होते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग और डेथ में दोनों में यूज हो रहे हैं, लास्ट लगे में 3 विकेट, उसके पहले लगे में 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, तो ज़्यादा इनको पिटाई पड़ नहीं रहा। अगर आपने कल वाला मैच देखा था दोस्तों तो आपको पता लग गया होगा कि बंदों को ज़्यादा पिटाई बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा था, ठीक है। तो पिक करके चलेंगे, आपने इस टीम से तिमोथी बार्कर को पिक करना दोस्तों, पहला पिक रहेगा, दूसरा रहेगा विलियम, तीसरा रहेगा शिव करंगिल, चौथा रहेगा थॉमस। जब टोनी ओपनिंग करेगा ना तो बिना पूछे आपको रखना है दोस्तों टोनी विटमैन को, अगर ओपनिंग करता है तो, ओपनिंग नहीं करेगा तो छोड़ सकते हो, जब ओपनिंग करेगा तो रखिएगा। उनके अलावा नीचे के जो 3 प्लेयर्स है, एक है मोहित और एक है मार्कस और एक है अमित, ये जो 3 प्लेयर्स है इनको पिक करके चलना है। मतलब कम से कम इस टीम से आपको 7 प्लेयर को लेना ही लेना है, हम साउंड वाले टीम से 4 ही प्लेयर को ले रहे हैं। स्टार्टिंग ओवर पहला आया था मोहित दीक्षित, दूसरा आया था थॉमस मार्टिन, तीसरा आया था अमित धिंगारा। डेथ में भी थॉमस डाले थे, अमित डाला था, मोहित डाला था। मतलब मोहित थॉमस और अमित ना स्टार्टिंग 3 ओवर यूज होते हैं, 1 से लेकर 3 ओवर के बीच में तीनों को ही, और उसके अलावा डेथ में 7 से लेकर 10 ओवर के बीच में 3 ओवर, ये लोग तीनों को ही बॉलर यूज होते हैं। तो तीनों को टीम के मेन प्रॉपर बॉलर है थॉमस, अमित और मोहित, जब भी खेलेंगे कोटे का 2 डालेंगे, तो आपको तीनों को कवर करके चलना है। वैसे भी सामने वाली टीम में वीक है। उनके अलावा इनके बेंच पर जितने बैठे प्लेयर सबके नाम सबके स्टैट्स हमने निकाली है, टीम ने में से किसी भी प्लेयर्स को मौका देती है तो उनके स्टेटस आपको टेलीग्राम पे हम बता देंगे दोस्तों, तो टेलीग्राम को आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। सामने की टीम है फ्रांस की टीम से, इनकी टीम तो अब तक जितने भी मुकाबले खेले सारे हारी है। इनके जो ओपनर रहेगा हैवी तलोद्दीन जैक्सन, इनके साथ आ रहे जैन मोहम्मद। बात करेंगे हैवी तलोद्दीन जैक्सन की, दिखेगा आपको विकेट की प्रसक्शन में कुछ खास फॉर्म में नहीं है दोस्तों, हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने 5 मैच में 130 रन किया था, लेकिन लास्ट के 4 गेम आप देखोगे एक ही वाला गेम 11 करे थे, उसके बाद 1-1-2। स्मॉली की टीम में इसलिए मैं नहीं ले रहा क्योंकि सामने वाली टीम से थॉमस बैकर अवेलेबल है, तो हम उनके साथ जाएंगे। उनके अलावा जैन मोहम्मद आएंगे कैप्टन, वाइस कैप्टन, इनको करना रिस्क रहेगा, पता है क्यों, क्योंकि इनकी टीम अगर पहले बॉलिंग करती है तब कर सकते हो, अदरवाइज आप इनको एज ए प्लेयर ही पिक करना, जब भी खेलेंगे कोटे का 2 डालेंगे, जो बॉलिंग करेगा बैटिंग करेगा ना इस टीम से आप उनको पिक करना, तो जैन मोहम्मद को पिक करेंगे। नुमान अमजद एक बेहतर प्लेयर दोस्तों, पहले लगे में 14 रन 1 विकेट, उसके बाद 4 रन 1 विकेट, 30 रन 1 विकेट, लास्ट लगे में 0 रन 1 विकेट, 2 बड़ा। कैप्टन वाइस कैप्टन से कब करिएगा पता है, जब इनकी टीम पहले बॉलिंग करेगी तब, जब इनकी टीम पहले बैटिंग करेगी ना तो भाई कैप्टन मत करना, नहीं तो हार जाओगे, क्योंकि इस टीम से तो ज़्यादा रन बनेगा नहीं, सामने वाली टीम आपको जल्दी जिता देगा, तो फिर इनको बॉलरों को विकेट मिलेगा नहीं उस कंडीशन में, ठीक है। तो ऐसा आपको लॉजिक से टीम बनानी पड़ेगी। उनके बाद आएंगे लिंगेश्वरन, जो कि लास्ट लगे में 13 पे, उसके बाद लगे में 1 पे, 32 पे 15 पे, तो 10 से 15 आपको इजी तरीके से बनाकर दे देगा, ले सकते हो। उनके अलावा अब्दुल मलिक आएंगे, जो कि लास्ट के 2 गेम से सिर्फ फील्डिंग ही कर रहा है, हालांकि एक वाला गेम में बैटिंग आई थी जहाँ पे 11 रन करे थे, मोस्ट ऑफ द टाइम नीचे खेलते हैं तो छोड़ेंगे। उनके बाद आएंगे सुविनीथारन, 15 रन करे थे लास्ट लगे में, स्टार्टिंग 3, 6, 6 और 4 करे हैं, छोड़ेंगे। जुबैद अहमद ने 14 रन करा था, उसके पहले के 1 मैच में 3 रन करे थे, काफ़ी नीचे खेल रहा है, छोड़ेंगे। इब्राहिम जबर खेल को लास्ट लगे में बॉलिंग दिया नहीं गया था, बट उसके बाद लगे में इन्होंने 1 ओवर की बॉलिंग कराई थी T20I 2022 के अंदर ना, 5 मैच में 3 विकेट था, और लास्ट के 4 गेम आप देखोगे इनका तो जिसमें 1 ओवर की बॉलिंग कराई है। दाऊद अमजाई, अगर आपको लगता है कि भाई ये स्टार्टिंग में विकेट गिरेगा सामने वाली टीम से, तो दाऊद अमजाई को आप जरूर पिक करिएगा, क्योंकि पहला और तीसरा ही ओवर यूज़ होते हैं, ठीक है। हालांकि अब तक इस टूर्नामेंट में विकेट ना मिला है, उसका सीधे सीधे रीज़न है कि दोस्तों इस टीम से रन बन नहीं रही है, और साउंड वाला टीम आराम से खेल के दोस्तों जीत जा रही है, इसलिए इनको बॉलर को विकेट नहीं मिल रहा। रहमतुल्लाह मंगल को आपको ट्राई करना है, लास्ट लगे में 1 विकेट, उसके बाद लगे में 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, तो अब तक इस सीरीज में इनको 7 विकेट मिल चुका है, जब भी खेलवाएंगे कोटे का 2 डालेंगे। उनके बाद आएंगे रहुल्लाह मंगल और रहमतुल्लाह मंगल को दोनों को पिक करना है, इन्होंने भी लास्ट लगे में 1 विकेट निकाला था, 1 विकेट और 1 विकेट, तो अपन इस मौली की टीम इनको भी ट्राई करेंगे। तो नीचे के आपको 2 प्लस दिख रहे हैं, रहमतुल्लाह मंगल, रहुल्लाह मंगल, ये दोनों को पिक करेंगे, और ऊपर के आपको जैन मोहम्मद को अहमद को पी करेंगे, नुमान अमजाई को पी करेंगे। ये जो 4 प्लेयर्स हैं हम इस टीम से 4 ही प्लेयर को ले रहे हैं। अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हो तो दाऊद अमजाई को जरूर रखना दोस्तों, स्टार्टिंग के पहला और तीसरा ओवर यूज होते हैं जहाँ पे विकेट गिरने के बहुत ही कम चांस रहता है, बट ग्रैंड लीग की टीम में रखना बनता है दोस्तों। स्टार्टिंग के ओवर मैंने बताई थी पहला और तीसरा दाऊद अमजाई डाले थे, दूसरा आए थे रहमतुल्लाह मंगल, डेथ में नुमान अमजद 8वां 9वां आए थे रहुल्लाह मंगल, और 10वां आए थे जैन अहमद। तो जैन अहमद को ग्रैंड लीग की टीम में ही कैप्टन करना है, स्मॉल लीग की टीम में हम ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि सामने की टीम बढ़िया दोस्तों। स्मॉल लीग की टीम में तिमोथी बार्कर को पिक करेंगे, इनके अलावा अलुद्दीन को आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन हम प्रेफर कर रहे हैं लग्जमबर्ग टीम को, तो लग्जमबर्ग की टीम से ज़्यादा पहले को लेना है। टोनी विटमैन ओपनिंग कराना तो बिना पूछे आपको रखना है दोस्तों। उनके अलावा स्मॉल लीग की टीम में थॉमस मार्टिन को पिक करेंगे, उनके अलावा इनको पिक करना बनता है लवरेसेंस को, क्योंकि इनके अलावा के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, जबर खेल काफ़ी नीछे खेल रहा है, सारे वीक पहले छोट को छोड़ेंगे।
नुमान अमजद को पिक करेंगे, शिवकरण गिल को आप ट्राउ तो ट्राई कर सकते हो बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग करा के देगा, उनके अलावा मंगल को पिक करेंगे। विक्रम बिजो को लेना कोई मतलब नहीं बनेगा, बॉलिंग कर नहीं रहा। दोस्तों विलियम कॉप को ले सकते हो, पता किन की जगह पर, शिवकरण की जगह पर, ठीक है आप ट्राई कर सकते हो। मोहित को पिक करेंगे, रहुला मंगल को पिक करेंगे, अमित धिमांगारा को पिक करेंगे, और आ करके यहाँ पर जैन अहमद को हम नहीं छोड़ सकते ना यार, बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग कर रहा तो फिर इतना बड़ा हम रिस्क क्यों ले। शिवकरण गिल भी लास्ट लगे में बॉलिंग करवाया था तो भाई इनको भी नहीं छोड़ सकते, तो रहमतुल्लाह मंगल को भी नहीं छोड़ सकते यार, क्या ही करूँ, अभी के लिए छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है और कोई ऑप्शंस भी नहीं है हमारे पास, रहुला मंगल को ही छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप चाहो तो जैन अहमद को छोड़ सकते हो, लेकिन जैन अहमद ना बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग करता है, तो भी आपको चीज़ ध्यान रख के चलना है। जो बॉलिंग करे बैटिंग करे सिलेक्शन पर बिल्कुल भी मत जाना, अगर आप मेरे साथ खेल रहे हो तो सिलेक्शन में मैं कभी टीम बनाता ही नहीं हूँ दोस्तों। तो जो भी चीज़ें होंगी लास्ट में बताएंगे। नुमान अमजद मेरा कैप्टन रहेगा, मोहित दीक्षित मेरा वीसी रहेगा, कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी आप रिवर्स कर सकते हो। इस वाला गेम में टॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बिना टॉस का हम टीम नहीं बना सकते, ऐसा गेम रहेगा। ठीक है तो लास्ट टाइम में देखते हैं, जो भी चीज़ होगी आपको टेलीग्राम में बताएंगे। हमारी जो भी स्मॉल लीग की टीम्स होती है सारी चीज़ें टेलीग्राम पर मैं क्लियर कर देता हूँ, टेलीग्राम पर आप जरूर से जुड़ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट मिनट में आपको लिंक मिलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, तो वीडियो का आप एक लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।